क्या है? उत्तेजक पदार्थ है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तेजना जनरेट करने के लिए। आपको किसी भी, तो जब हमको उत्तेजना की आवश्यकता ना हो तब हम अगर चाय पियेंगे तो नुकसान, लिमिट में पिए तो कोई भी पेय नुकसान इतना नहीं करता, लेकिन जैसे चाय, अब आप भोजन के तुरंत बाद उत्तेजक पेय पियेंगे तो वो आपके पाचन क्रिया को नुकसान। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कहते हैं वो ग्रीन टी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, टी में बहुत अच्छी पाई जाती है, लेकिन वो एंटीऑक्सीडेंट जब उसमें ऑक्सीडेंट पड़ जाता है, दूध उसमें ऑक्सीडेंट का काम करता है, तो दोनों मिलकर के जीरो हो जाता है। इसी प्रकार चाय में प्रयुक्त टैनिन आपके प्रोटीन कैल्शियम दोनों के एब्जॉर्प्शन को कम करता है अगर आप इमीडिएटली लें। हाँ, एक घंटे के गैप पे लेंगे तो उसका असर कम होगा, और दिन में एक या दो कप से ज़्यादा पीना भी नहीं चाहिए, अमूमन 3 कप पी। उसी प्रकार जिस प्रकार हम अल्कोहल के लिए कहते हैं कि लोग पीते हैं रिक्रिएशन के लिए, सबसे महंगा पदार्थ भी है, स्वाद भी खराब, तब भी लोग पीते हैं। तो ये चाय से डाइजेशन प्रॉब्लम, डाइजेशन के एब्जॉर्प्शन पे असर कर रहा है, एब्जॉर्प्शन स्लो कर रहा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर रहा है। उत्तेजक पे पिएंगे, बीपी की ज्यादा पीने पे बीपी की समस्या आपको उत्पन्न होगी। और जब ये एंटीऑक्सीडेंट चाय को कहा जाता है विदाउट मिल्क अगर आप ले रहे हैं, लाइट, वेरी लाइटली बॉइल्ड टी, ओवर बॉइल्ड टी इटसेल्फ इज वेरी ओवर बॉइल्ड, हल्की चाय, बस चाय पीते हैं कड़क चाय, वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं होती? नहीं, वो नहीं होती। ओवर बॉइल्ड टी में टॉक्सिन्स ज़्यादा होते हैं, जहरीली हो जाती है, दो बार से ज़्यादा अगर आप चाय को उबाल देंगे तो जहरीली हो जाती है। ओके, थैंक यू।